आयुष्मान योजना एक धोखा है। हॉस्पिटल बनाए नहीं, कार्ड दे दिए, कार्डों से का इलाज होंगे। उत्तर प्रदेश हरियाणा से लोग उठा कर सीधे दिल्ली की तरफ आते हैं और यहाँ भी फिर बेड नहीं मिलता तो परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रकार से आयुष्मान योजना एक सफ़ेद हाथी है मूर्ख बनाने की क्रोनोलॉजी। बुखार आ गया, फीवर है, 4-5 दिन से बुखार चल रहा है। और ये मैम क्या फील होता है, मतलब किस चीज की दिक्कत? नौजिया, वोमिटिंग, पेट में भारीपन रहना, बुखार रहना, आजकल तो बीज मोशन और लगे हुए। और कब से? ये 3-4 दिन तो हो गए हैं और इतनी वीकनेस आ गई है। घंटे भर के इंतजार के बाद आखिरकार विमला जैन को बेड मिला। जब प्राइवेट अस्पताल के ये हालात हैं तो सरकारी अस्पतालों की तस्वीर तो और परेशान करने वाली है। सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का दबाव बढ़ गया है, लिहाजा मरीजों का इलाज कहीं स्ट्रेचर पर तो कहीं इस तरह से खिड़की के सहारे ड्रिप लटका कर किया जा रहा है। यहाँ दिल्ली के ही नहीं उत्तर प्रदेश के जिलों के मरीज भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। डॉक्टर तो इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहा है। इट सीम्स लाइक इट्स मोर वर्स देन द कोविड, क्योंकि बिस्तर नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मतलब बेड नहीं अवेलेबल है। पेशेंट तो बिल्कुल कॉरिडोर में बैठे हुए हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में